जहां एक ओर पूरा प्रदेश राज्य उत्सव मना रहा है, वहीं बेमेतरा जिला मुख्यालय में एक बार कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। दरअसल बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक मैदान में राज्य उत्सव में जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री टीसी देव बाबा एवं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कृषि मंत्री की जगह पर दो दो कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी विकास उपाध्याय को मुख्य अतिथि बनाया गया था, जो कि जिला मुख्यालय की ओर से निमंत्रण पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर टीएस सिंह देव एवं रविंद्र चौबे के खेमा में अच्छी खासी नाराजगी है। उनके अनुसार साझा विधायक रविंद्र चौबे और टीसी सिंह देव काफी वरिष्ठ नेता हैं। उसके बावजूद जिला के राजस्व उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव से राज्य उत्सव का शुभारंभ कराना, ये बेमेतरा जिले में वरिष्ठ मंत्रियों का अपमान है। यही वजह है कि बेमेतरा जिले के राज्य उत्सव के उद्घाटन में टीएस सिंह देव एवं रविंद्र चौबे के गुट का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ था। इस मामले में हमारे मीडिया कर्मी ने जानकारी प्राप्त की तो निमंत्रण पत्र का प्रोटोकॉल रायपुर राजस्थान की ओर से आने वाले की बात कही जा रही है, अतः जिला प्रशासन की ओर से यह गुटबाजी राजधानी से होने की बात कही जा रही है। साथ ही देव सिंह के गुट के नेता इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी शिकायत की बात कर रहे हैं। वह इस मामले में भाजपा भी चुटकी ले रही है। भाजपा के अनुसार कांग्रेस में गुटबाजी कोई नहीं बात नहीं है और इसी गुटबाजी को लेकर जनता कांग्रेसियों को सबक सिखाएगी। हमारी सरकार जब था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुआ था। उस समय यही भूपेश बघेल इनके मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर जी हाई कोर्ट तक मामला लेके गया था कि ये संसदीय सचिव का नियुक्ति नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा विरोध किया था, पूर्व विरोध किया गया था, विधानसभा से लेकर जमीनी विरोध किया गया था। और आज संसदीय सचिव को यहाँ पर मुख्य अतिथि बनाकर भेजा गया है राज्य उत्सव में, जबकि वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी जिले मुख्यालय का मंत्री होता है। यहाँ के प्रभारी हमारे टीएस सिंहदेव बाबा जो है कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री है। इससे यह जाहिर होता है कि भूपेश बघेल जो है अपनी ओछी मानसिकता और लगातार टीएस बाबा को नीचे गिराने के लिए इस प्रकार से घटिया चरित्र चाल चरित्र यह सब जो है हम देख रहे हैं, बेमेतरा जिला मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। और इनके द्वारा लगातार और इनके पिताजी के द्वारा भी राम भगवान को गली गली घूम घूम कर गाली बकना यह अशोभनीय है। अपने एक तरफ तो अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलता है ये मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ अपने बाप को ढील के रखा हुआ है, राम भगवान को गाली बकने के लिए ब्राह्मण को गली गली घूम कर बक रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री जी जो है छत्तीसगढ़ में एक बार तो झूठ बोलकर सरकार बना ली है, आने वाले 2023 में निश्चित ही किसान और जनता इसको 2023 में धूल चटाने हैं।